मकर संक्रांत स्पेशल थाली। थाली शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि संक्रांत क्यों और किसके लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्राकृतिक पूजा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसमें सूर्य देवताओं से जुड़ी हुई प्रमुख त्योहारों की परंपरा है। उन्हीं त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। इस ऋतु के पौष मास में भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसीलिए संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में पूरे देश भर मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल में 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन किन पिछले कुछ सालों से गिरनाओं के कुछ परिवर्तन के कारण इसको 15 जनवरी में मनाया जाने लगा है। आज के लिए इतना ही काफी है, चलो हम शुरू करते हैं। नमस्कार, स्मार्ट बी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ संक्रांत स्पेशल महाराष्ट्रीयन थाली। इस थाली में हमने बाजरे की रोटी, मिक्स सब्जी, मसाला बैगन, मेथी की सब्जी, राड़े का राइस और काला लड्डू, इसको हम बोलते हैं मिटकी। लेकिन इस थाली में मैं बाजरे की रोटी, मिक्स सब्जी, राड़े का राइस, इसकी प्रोसीजर बताने वाली हूँ। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने लिए है बाजरे का आटा। अब हम उसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल रहे हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब उसको मिक्स करना है। आटे को हम अच्छी तरह मसल रहे हैं। अच्छी तरह मसलने से रोटी बहुत अच्छी बनती है। इसके हम दो बॉल बना रहे हैं, दो या तीन। बाजरे का आटा लगाकर रोटी बनाएंगे। ये रोटी बहुत हेल्दी होती है और टेस्टी भी लगती है। पर हम तिल लगा रहे हैं। को हम सेक लेंगे। तिल की साइड नीचे और ऊपर थोड़ा पानी लगाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा निकल जाएगा। अब इसको हम दूसरी बाजू सेक लेंगे। अब हमारी रोटी अच्छी तरह सेक चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। मिक्स भाजी बनाने के लिए हमने लिया है बरना, बैगन, गाजर, चने की दाल। चने की दाल की जगह आप हरा चनिया भी ले सकते हो। बारीक की हुई मूंगफली, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, चीनी, ऑयल, मटर, सरसों, तिल, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, कड़ी पत्ता, हिंग पाउडर, हरा धनिया पत्ता। हम डाल रहे हैं तेल। 3 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद अब हम डाल रहे हैं सरसों, जीरा, पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट,
चने की दाल, गाजर, अच्छी तरह भून लेंगे। फिर हम डाल रहे हैं बैंगन, इसको भी अच्छी तरह भून लेना है। अब हम डाल रहे हैं मटर, इसको थोड़ी देर चलाते रहना है। अब हम डाल रहे हैं वरना, इसको हमने पहले ही उबाल कर लिया था, ये अच्छी तरह पक चुका है। अब हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादिष्ट नमक, शुगर, अब हम डाल रहे हैं मूंगफली, इसमें थोड़ा सा वाटर डालना चाहिए, एकदम थोड़ा सा, इसको हिलाना है, ढक्कन लगा के एक मिनट छोड़ देना है। ऐसे मिनट हो गया है, अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं। धनिया पत्ता डाल रहे हैं, बनाने के लिए हमने लिया है राड़ा और उसमें थोड़ी से मूंग दाल, नमक। अब हम इसको एक कटोरी में डालकर उसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह धो लेना है। काला हमने अच्छी तरह धो के लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, डाल रहे हैं पानी, डेढ़ कप पानी डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर, इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, ऑन करके इसको हम पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। राइस पक चुका है, हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। ए हमारी थाली अब रेडी है। मकर संक्रांत स्पेशल थाली। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन ये सब आइटम बनाते हैं और संक्रांत सेलिब्रेट करते हैं। तिलगुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करो, लाइक करो। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो।